नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं सुपौल यानी कि बिहार की खबर का। मामला सुपौल जिला के सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी बच्ची कुमारी के खिलाफ का है, जहां लोक विचार मंच के बैनर तले शहर के विभिन्न चौक चौराहे से गुजर कर सुपौल स्मरणालय पहुंच कर सुपौल जिला पदाधिकारी को सदर अंचल अधिकारी बच्ची कुमारी के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने दाखिल खारिज परिमार्जन एवं अन्य संबंधी रुपए मांगने और घूसखोरी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। रोज से यह हमारे प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बच्ची कुमारी डूबी हुई। मैं खुद अंचल अधिकारी से मिलने का प्रयास किया, फोन करने का प्रयास किया, फोन उठाने से कतराती है। मिलने के बावजूद मेरे साथ मर्यादित भाषा का दुरुपयोग की, जिसका ऑडियो भी मेरे पास है। आगे विशेष रूप से लोहिया विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमन कुमार जी से जानकारी प्राप्त है। आज हम लोगों का ये जो शहर में विशाल प्रदर्शन हो रहा है, सुपौल अंचल के सीओ बुची कुमारी के अमर्यादित व्यवहार, मनमानी और महाघुसखोरी के विरुद्ध आज हम लोगों का एक दिवसीय विशाल प्रदर्शन हो रहा। सुपौल सीओ बुची कुमारी घूस वसूलने के लिए पूरी दलाल का जमघट कर लिया, जिसका मुख्य सरदार सीओ बुची कुमारी है। हर काम के लिए दाखिल खारिज के लिए 10,000 से 50,000 रुपया, कोई क्रिटिकल दाखिल खारिज है तो उसमें 50,000 रुपया से लेकर के 5,00,000 रुपया तक वसूलने का काम करते हैं। यहाँ तक कि कई जमीन का जो वर्तमान मूल्य है उसका 10-20% लेते हैं। परिमार्जन के नाम पर 10,000 रुपया से 50,000 रुपया ऑनलाइन पंजी टू में चढ़ाने के लिए लाखों में घूस लेने का काम करते हैं। अर्थात हर मामले में घूस के मामले में बिहार में ये फर्स्ट है। सीओ बुची कुमारी इन्हीं के अवैध वसूली और अमर्यादित क्रियाकलाप व्यवहार के खिलाफ आज हम लोगों का विशाल प्रदर्शन है। डॉक्टर फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार और बंगाल की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।